हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे टॉप 5 मोबाइल्स की, जिसमें बेस्ट गेमिंग मोबाइल्स होंगे, बेस्ट कैमरा मोबाइल्स होंगे और पिक बैटरी मोबाइल्स होंगे। और हम देखेंगे इन मोबाइल्स की प्राइस, इसके लॉन्च डेट, इसकी फुल स्पेसिफिकेशन। तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, पूरे मोबाइल बेस्ट हैं। तो मैं हूं ऐसी और आप देख रहे हैं अमेजोन शॉप। आता है Xiaomi Mi 10 Pro। बात करें इसकी स्पेसिफिकेशन की, तो इसमें एंड्रॉइड का V10Q है, 12 GB की रैम है, प्रोसेसर इसमें स्नैपड्रैगन का 865 है, डिस्प्ले इसमें 6.67 इंच का फुल HD डिस्प्ले है, स्क्रीन इसका एमोलेड है और फिंगरप्रिंट स्कैनर इसमें ऑन स्क्रीन है। कैमरा इसका खास है दोस्तों, इसमें 4 रियर कैमरा है 108+8+12+20 मेगापिक्सल का, और फ्रंट कैमरा इसमें 20 मेगापिक्सल का। स्टोरेज इसमें 256 GB का इंटरनल स्टोरेज रहेगा, बट SD कार्ड का सपोर्ट आपको इसमें नहीं मिलेगा। बैटरी इसमें 4500 की रहेगी और फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट आपको इसमें मिल जाएगा। अब बात करते हैं इसके प्राइस की, तो इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस है 34,000 रुपए। हो सकता है मोबाइल इंडिया में 34,000 के अंदर आ जाए। देखते हैं Xiaomi इस मोबाइल को इंडिया में किस प्राइस पे लेके आता है। अब बात करते हैं इसके लॉन्च डेट की, तो इसकी एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट है 28 मार्च 2020। उम्मीद है मोबाइल जब तक इंडिया में आ जाए। नंबर 2 पे आता है Samsung Galaxy A72। बात करें इसकी स्पेसिफिकेशन की, तो इसमें एंड्रॉइड का V10Q है, 6 GB की रैम है, प्रोसेसर इसमें स्नैपड्रैगन का 765 है, डिस्प्ले इसमें 6.7 इंच का फुल HD डिस्प्ले है, स्क्रीन इसका सुपर एमोलेड है और फिंगरप्रिंट स्कैनर इसमें ऑन स्क्रीन है। बात करें कैमरा की, तो इसमें 4 रियर कैमरा है 64+12+5+5 मेगापिक्सल का, और फ्रंट कैमरा इसमें 32 मेगापिक्सल का। स्टोरेज इसमें 128 GB का इंटरनल स्टोरेज रहेगा, 1 TB आप इसको SD कार्ड के साथ यूज कर सकते हैं। बैटरी इसमें 4500 की रहेगी और फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट आपको इसमें मिल जाएगा। अब बात करते हैं इसके प्राइस की, तो इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस है 30,000 रुपए। हो सकता है मोबाइल इंडिया में 30,000 के अंदर आ जाए। देखते हैं सैमसंग इस मोबाइल को इंडिया में किस प्राइस पे लेके आता है। अब बात करें इसके लॉन्च डेट की, तो इसकी एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट है 18 मार्च 2020। उम्मीद है मोबाइल जब तक इंडिया में आ जाए। नंबर 3 पे आता है Huawei P30 Lite 2020। बात करें इसकी स्पेसिफिकेशन की, तो इसमें एंड्रॉइड का V9 पाई है, 6 GB की रैम है, प्रोसेसर इसमें सिलिकॉन का क्रीन 810 है, डिस्प्ले इसमें 6.5 इंच का फुल HD डिस्प्ले है, स्क्रीन इसका IPS LCD है। बात करें कैमरा की, तो इसमें 4 रियर कैमरा है 48+8+2+2 मेगापिक्सल का, और फ्रंट कैमरा इसमें 32 मेगापिक्सल का। स्टोरेज इसमें 128 GB का इंटरनल स्टोरेज रहेगा, 256 GB आप इसको SD कार्ड के साथ यूज कर सकते हैं। बैटरी इसमें 4000 की रहेगी और फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट आपको इसमें मिल जाएगा। अब बात करते हैं इसके प्राइस की, तो इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस है 18,000 रुपए। हो सकता है मोबाइल इंडिया में 18,000 के अंदर आ जाए। देखते हैं Huawei इस मोबाइल को इंडिया में किस प्राइस पे लेके आता है। अब बात करें इसके लॉन्च डेट की, तो इसकी एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट है 26 मार्च 2020। उम्मीद है मोबाइल जब तक इंडिया में आ जाए। नंबर 4 पे आता है Moto G8। बात करें इसकी स्पेसिफिकेशन की, तो इसमें एंड्रॉइड का V9 पाई है, 4 GB की रैम है, प्रोसेसर इसमें स्नैपड्रैगन का 665 है, डिस्प्ले इसमें 6.39 इंच का फुल HD डिस्प्ले है, स्क्रीन इसका IPS LCD है। बात करें कैमरा की, तो इसमें 4 रियर कैमरा है 48+8+2+2 मेगापिक्सल का, और फ्रंट कैमरा इसमें 32 मेगापिक्सल का। स्टोरेज इसमें 64 GB का इंटरनल स्टोरेज रहेगा, 512 GB आप इसको SD कार्ड के साथ यूज कर सकते हैं। बैटरी इसमें 4000 की रहेगी और फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट आपको इसमें मिल जाएगा। अब बात करते हैं इसके प्राइस की, तो इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस है 14,000 रुपए। हो सकता है मोबाइल इंडिया में 14,000 के अंदर आ जाए। देखते हैं मोटो इस मोबाइल को इंडिया में किस प्राइस पे लेके आता है। अब बात करें इसके लॉन्च डेट की, तो इसकी एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट है 5 मार्च 2020। उम्मीद है मोबाइल जब तक इंडिया में आ जाए। नंबर 5 पे आता है Honor 20S। बात करें इसकी स्पेसिफिकेशन की, तो इसमें एंड्रॉइड का V9 पाई है, 6 GB की रैम है, प्रोसेसर इसमें सिलिकॉन का क्रीन 810 है, डिस्प्ले इसमें 6.26 इंच का फुल HD डिस्प्ले है, स्क्रीन इसका TFT LCD है। बात करें कैमरा की, तो इसमें ट्रिपल रियर कैमरा है 48+8+2 मेगापिक्सल का, और फ्रंट कैमरा इसमें 32 मेगापिक्सल का। स्टोरेज इसमें 128 GB का इंटरनल स्टोरेज रहेगा, बट SD कार्ड का सपोर्ट आपको इसमें नहीं मिलेगा। बैटरी इसमें 3750 की रहेगी और फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट आपको इसमें मिल जाएगा। अब बात करते हैं इसके प्राइस की, तो इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस है 16,000 रुपए। हो सकता है मोबाइल इंडिया में 16,000 के अंदर आ जाए। देखते हैं ओनर इस मोबाइल को इंडिया में किस प्राइस पे लेके आता है। अब बात करें इसके लॉन्च डेट की, तो इसकी एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट है 8 मार्च 2020। उम्मीद है मोबाइल जब तक इंडिया में आ जाए। तो दोस्तों, ये थे टॉप 5 अपकमिंग मोबाइल्स। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगा, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। नीचे कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, रियली अप्रिशिएट योर टाइम।